Nirbho nirvaira kalamurat Ajoni sevham Guru Prasad Kahan tuch Prabhu Buddha Hamari Varnan sake mahima jo tihari Hamana sakat kar sifat tumhari Aap leo tum katha sudhari Kahan lage eho kit bakhane Mehma tor tuhi prabh jane Pita janam jau put na paave Kaha tavan ka bhed batave He pran nath govinde कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करणावे सब दुख हरो हे शरण जो दयाले उच्चारण कीती बाणी गाथा एक एक श्लोक अमृतमयी वचन है एक एक श्लोक प्रभु दे मार्ग दा संकेत देंदा है इशारा देंदा है प्रभु नाल जोड़न दा वसीला बनदा है बाणी दा नाम गाथा है ते इस बाणी दा सतगुरां ने दो दफा जिक्र भी कीता है श्लोकां दे
अज का जो पावन श्लोक है गाथा गूढ़ अपारंग समझण बिरलाजन है। इस तो पहले गाथा बारे सतगुर श्लोक कहते हैं गाथा गुंप गोपाल कथन मथन मान मर्दन। खैर मैं रिपीट ना करा क्योंकि श्लोक काफी ने। गाथा गूढ़ अपारंग प्रभु की कथा बहुत गहरी है बारीक है। समझणंग बिरला जनंग पर ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं समझता, बिरला समझता। वो जोड़ा बिरला समझता है किस ढंग नाल समझता है सानू भी पता चले। आखिर केड़ा तरीका है जेदे नाल प्रभु की कथा की समझ आ जाती है, परमात्मा का बोध हो जाता है। मैं पहली पंक्ति फिर दूजी पंक्ति थोड़े सामने रखा। पहली पंक्ति गाथा गूढ़ अपारंग, गूढ़ कहने गहरे न, बारीक तो बारीक गहरी तो गहरी। गाथा गूढ़ अपारंग ऐसी अपार है जिदे उरार का भी नहीं पता चलता, पार का भी नहीं पता चलता। प्रभु की होंद कितों शुरू होती है कितने समाप्त, गूढ़ कथा है बारीक कथा है। फिर भी समझण बिरला जन है साहब कहन, फिर भी बिरला मनुख समझता जान लैंदा। वो जिहड़ा बिरला मनुख है की करता है किस तरीके नाल जान लैंदा है, वो दूजी पंक्ति च गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने संसार काम तजण नानक गोविंद रमण साध संग में। गुरु तो प्रेरित होके सतसंग तो प्रेरित होके जो प्रभु का नाम जपता है, जो प्रभु के गुणा का रमण करता है, लेकिन जपन लग्या संसार काम तजण कामना नहीं। कामना जप नाल जोड़ दईए तो जप धंधा बन जाता है, संसार बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। यह मतलब ही ना समझना कि कामना पूरी नहीं होगी। प्रभु सब की कामना पूरी करता है, जिड़े मंगते ने आख मंगे देहे दे दात करे दातार दाता देंदा, मंगण वाले मंगते दाता देंदा। पर वो अपार की कथा नहीं समझ सकेगा, पदार्थ से मिल जाएगा परमात्मा तो वांझा रह जाएगा। पर जिन्हों परमात्मा की प्राप्ति हो जाती उन्हों पदार्थों की आप ही हो जाती, जिन्हों परमात्मा मिल गया उन्हों छाया आप ही मिल जाती। सिर्फ छाया मंगने वाले नू फिर छाया ही मिलती है। सब कुछ कर रहे हैं व्यर्थ नहीं जाएगा, पर कर रहे हैं संसार वास्ते दुनिया वास्ते पदार्थ वास्ते। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले कालना व्यर्थ नहीं जाए, एक तिल जितनी भी व्यर्थ नहीं जाए। एक मिनट भी जप कीता है कामना करके व्यर्थ से नहीं जाएगा, पर जिड़ी कामना कीती है उसकी पूर्ति हो सकती है, परमात्मा नाल दूरी बनी रहेगी। और गूढ़ कथा है वो नहीं समझ सकेगा, जितना कामना करके जप करेगा उल्टा अकल मोटी होगी बारीक नहीं होगी, बुद्ध मोटी होगी मोटिया गल्ला समझ सकेगा। जैसे कई गुरुद्वारे विच भी कथा कीर्तन च मनोरंजन चाहते ने, तो मनोरंजन उही चाहन जिन्हों की अकल बहुत मोटी। श्रद्धालु मनुख ते नाम रस जाएगा, गुरसिख आशिक शब्द दे। भाई गुरुदास जी कहने ने जो गुरमुख है उन्हों ते शब्द का रस चाहिए, वो निरे मनोरंजन के चक्कर विच नहीं पैंदा। पर अकल मोटी है, अकल मोटी किसदी है? हर वक्त संसार की याद, हर वक्त पदार्थां की मंग, हर वक्त दुनिया का चिंतन। संसार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, संसार का चिंतन, पर हाथ विच गुटका है,
बाणी पढ़ रहे हैं, नितनेम कर रहे हैं, तामी पदार्थ दी कामना करके कामना पूरी हो सकती है। लेकिन वो जिहड़ी गूढ़ कथा है उन्हों समझण वास्ते बारीक अकल चाहिए है। ते बारीक अकल किसे विरले दी आउंदी है, किहड़े विरले दी आउंदी है? संसार काम तजण नानक गोविंद रमण। जदों गोविंद गुणा दी विचार करे, पाठ करे, जप करे, काहों फल की इच्छा नहीं पाछे, केवल भगत कीर्तन संग्राज उस वक्त कामना ना हिरदा खाली ते रह नहीं सकता। फिर कामना दी थां ते की चाहिदा? भावना चाहिए, भरोसा, भावना, प्यार। कामना नु एक पासे करके भावना नु थां देवे, भावना नाल जप करे, कामना नहीं। खुल के सैर कहने सेवा कर तो होए नए कामी, इसको होत परापत स्वामी। उन्हों मालिक मिल जाता है, जो उन्हों मालिक मिल गया उन्हों सब कुछ मिल गया, स्वामी मालिक नु कहते हैं। फिर सुन लेना, कामना धार्मिक कर्म नु भी बाजार बना देगी। भावना नाल बंदा बाजार विच बैठा है, दुकान ते बैठा है, तो दुकान भी धर्मशाल बन जाएगी। कामना करके बैठा हुआ मनुख गुरुद्वारे यकीन जानो इन जाएगा जिन्हें किसी मार्केट दे बैठा है, ऑफिस दे बैठा है। भावना नाल बैठा है तो वह घर भी गुरुद्वारा बन सकता है, घर घर अंदर धर्मशाल, घर भी धर्मशाल बन सकता, घर भी गुरुद्वारा बन सकता है, क्योंकि भावना विच है। भावना नाल जेड़ा मनुख जिथे बैठा है वो गुरु नाल जुड़े हुए। मैं अर्ज करें बड़ी छोटिया छोटिया गल्लां ते मनुख दियां भावनावां टुट जांदियां ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। क्यों टुटदियां ने? क्योंकि सब कुछ कामना करके कर रहा है। तो मैं फिर अर्ज करा, 100% कामनावां की पूर्ति नहीं होगी, उहदे वास्ते प्रालवद भी चाहिए, उस दे वास्ते कुछ शुभ कर्म भी चाहिए ने। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। मंग बहुत वड्डी है, कर्म कुछ भी नहीं है। जैसे बीज ते बौना ही नहीं चाहता धरती च फल दी मंग करता है, ये व्यर्थ है। इनू धरती ने कुछ नहीं देना, क्योंकि इसने धरती नू नहीं कुछ दिता। दूसरा, बीज ते गलत बोया है ते फल सही मन रहा है। जैसे बाबा फरीद कहने ने, लोड़े दाख बिजौरिया किकर बीजे जट। बूटा ते कट किकर दा लांदा है ते मंगदा है बिजौरी दाख। अफगानी काबली सजना नु पता है बिजौर दा इलाका अफगानिस्तान दे नाल लगदा है, बलोचिस्तान। उत्थों दी दाख, उत्थों दे अंगूर जिस डंग दे स्वादले ते मिठे होने ने, कहने रूहे जमीन ते किधरे भी नहीं होते। बिजौरी अंगूर, बिजौरी दाख। बाबा फरीद कहने मंगदा है बिजौरी दाख किशमिश। लोड़े दाख बिजौरिया किकर बीजे जट। ते बूटा लांदा किकर दा, बौंदा है किकर, मंगदा है बिजौरी दाख। दोनों कुते चेते रखना। धरती नू कुछ दे के ही मिलता है, बीज बो के ही फल मिलता है। बीज ही नहीं बोया ते फल मंगदा पै, गलत। बीज ते बोया है किकर दा पर मंगदा अंगूर है, गलत। ऐसा नहीं हो सकता। रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर लीजे रे मन। गिला क्यों करता है, शिकवा क्यों करता है, औखे क्यों भरदा है? शुभ कर्म करते प्रभु तो सब कुछ प्राप्त कर ले। जैसे बीज बोए बिना तो धरती तो कुछ भी नहीं ले सकता, शुभ कर्म कीते बिना परमात्मा तो भी कुछ नहीं मिलता।
नियम बनाया है, परमात्मा ने नियम बनाया है। सिर्फ मंगल नाल, सिर्फ कामना नाल खेड नहीं बनेंगे। चलो कर्म भी कर रहे हैं, तो कर्म की कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर कामना संसार दी पूरी हो सकती, भाग लग सकते, पर उदा जप तप उदी सेवा धंधा बन जाएगी, धर्म नहीं है। कर्म नाल कामना जोड़ दई है कर्म धंधा, कर्म नाल भावना जोड़ दई है कर्म धर्म। इन बड़े गौर नाल समझना। मैं पाठ नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल, सेवा नाल, दान नाल, पुन नाल कामना जोड़ देवा कर्म धंधा। मैं धंधा कर रहा कीर्तन, मैं भावना जोड़ देती है। सत पुरुष उसनों कहने ने जो धंधे नाल भी भावना जोड़ देना। बड़ी भावना नाल रविदास लोगों दिया जुतियां गणदा सी, जुतियां गणदिया गणदिया अंदर हिरदा भावना नाल भरिया है, ए प्रभु एदा दिल भी अपने नाल गंढ लें, मैं एदी जुती गंढ रहा। तो धंधा भी धर्म बन गया। हे प्रभु इनू अपने नाल गंढ लई, अंदरों भावना एदी जुती मैं गंढ रहा, इनू तू अपने नाल गंढ लै। हर एक लिए भावना बन शरदा, हे प्रभु मेरा हिरदा अपने नाल गंढ लई, मैं लोगों दिया जुतियां गंढना, तू मेरा हिरदा अपने नाल गंढ लै। ये एक छोटी जी गाथा मैनू याद आई है। कश्मीर में एक सूफी संत होया अतार करके, ये बाजार में खोंचा लांदा सी, छोले बेचदा सी। रोज उसकी घर वाली अमृत वेले छोले बना देंदी है। वो फजर की नमाज तो बाद ये खोंचा चुक के सिर ते बाजार की चौक ते आण बैठ। लेकिन खास गल जिहड़ी समझण वाली है वो ये है, लोकी अक्सर अतार कोल खोटे सिक्के ले आंदे सन, जिहड़ी बाकी दुकानां ते ना ना चलन, पुरानी गल सी। वो सोचदे सन उत्थे चल जाएगा, वह बोला फकीर है, ना समझ है। हुण अगले ने खोटा सिक्का दिता है, अतार नूं पता है खोटा है, रख लैंदा, सौदा खरा दे देंदा है, अगले सिक्का खोटा दे जांदा। गल कश्मीर विच मशहूर हो गई, जिस बंदे का खोटा सिक्का किधरे नहीं चलदा सी, ओ एक बैठा उत्थे चलाओ, बच्चे भी उत्थे चला लैंदे, जिथे नहीं चलदा उत्थे चला, वो वापस नहीं करदा सी, सौदा दे देंदा सी। एक दिन ऐसा होया, फजर की नमाज पढ़ के घरवाली नू कहिंदा है खौंचा तैयार, कहिंदा नहीं। घरवाली कहिंदी है नहीं, क्यों की गल है? उन्हें खोटे सिक्कियां की थैली अगों आ रखी, आख्या मैं बाजार गई हाँ, छोले किसे ने नहीं दिते, मसाला किसे ने नहीं दिता, घ्यो किसे ने नहीं दिता, सब ने मैनू वापस किया। तुसी रोज खोटे सिक्के लेंदे रही, ऐ रहेगा और असली सिक्का तो है। बाजार विच किसी ने सौदा नहीं दिता मैनू, क्यों वाले ने क्यों नहीं दिता मैनू, मसाले वाले ने मसाला नहीं दिता, चने नहीं मिले, सब ने मैनू वापस किया, किसी ने खोटा सिक्का कबूल नहीं किया। किंग ने खोटे सिक्कों की थैली चुक के दुआ कर लगा है, अरदास कर लगा है, ऐ खुदावन ताला मैनू पता सी खोटे ने, मैं रख लेंदा रहा,
ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੋਟਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੰਦਾ ਕਰਨ ਸੀ, ਦੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਵੀ ਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 108 ਮਾਲਾ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਐਡ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਦਾਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਤਾਵੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡ ਵੀਕਲੀ ਐਡ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਐਡ ਆਏਗੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੇ ਦਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜੈਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਤਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਗ੍ਰਸੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਤਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਪੌਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਗੁਰੂ ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ